पीछे जाओ दोनों पीछे। एक हाथ से साफ करे, उठ के पीछे जाओ, उठ के एक हाथ से साफ करे। आज हम सभी छात्र छात्राएं आप सभी के समक्ष में स्वच्छता पर एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। साहिबा मेहरबा कदरदार, कम इंसान ज्यादा शैतान, कम होशियार ज्यादा नादान। बापू बोले भैया पहलवान, गंदगी से रहनवार, सफाई से परेशान, आइए मिलकर निकाले इस समस्या का समाधान। कर देंगे आपको आपकी गंदगी से दूर, 10 दिन में लाएंगे स्वच्छता अभियान। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश ने अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। अरे दीदी जल्दी आओ लेकर कूड़ा, हमें आगे भी जाना होता है। अरे दीदी तुम ऐसे गिराते क्यों ला रही हो कूड़ा, थोड़ा अच्छे से लाओ। वो मेरा काम थोड़ी ना है, आप ही उठा लो। चलो मैं उठा देता हूँ। स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है, केवल सफाई वालों की नहीं। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। अरे कोई देखता नहीं रहा, इधर ही फेंक देती हूँ कूड़ा। हाय मेरे कपड़े टूट गए, मेरे कपड़े मेरे जूते सब खराब हो गए, पता नहीं मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अरे रावत जी क्या हुआ, सुबह सुबह किसको इतनी गाली बक रहे हो? तुम्हारे मोहल्ले वाले ने कचरा फैला दिया है। कचरा कहाँ है? वहाँ है। अरे रावत जी कोई बात नहीं, मैं आज यह कचरा उठाने में आपकी मदद कर देता हूँ। जरा मुझे घर तक छोड़ दो। आइए, अगर लोग इस प्रकार कचरा यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो क्या हमारा देश स्वच्छ हो पाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताओ दीदी अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कचरा इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, हमें कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हाँ, हाँ, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अरे भाई बहुत काम पड़ा है। हाँ भाई बहुत काम पड़ा, इधर का मैं झाड़ू लगा देता हूँ, उधर का तू लगा दे। ठीक है। आज स्वच्छता अभियान का पहला दिन है और अभी तक मैंने फोटो भी नहीं निकाली है। अरे भैया 2 मिनट झाड़ू तो दीजिए। क्यों आप भी हमारे साथ झाड़ू लगाओगे? नहीं, 2 मिनट दीजिए तो सही। हैशटैग स्वच्छता अभियान। शुक्रिया भैया। तो देखा भाई और बहनों, अगर इस प्रकार के लोग केवल फोटो और सेल्फी खींचेंगे तो क्या हमारा देश स्वच्छ तो हो पाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताओ दीदी अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। आज तो इस आपने देखा भाई और बहनों, हमारे इस नाटक से हमें यह पता चला कि हमारे
मत है। आओ आज हम एक प्रण ले। आज के बाद हम कचरा कूड़ेदान में ही डालेंगे और यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे और खाना हाथ धोने के बाद ही खाएंगे। तभी हमारा देश स्वच्छ हो पाएगा और गांधी जी का सपना पूरा होगा। एवरीवन जस्ट सिट डाउन, अपना हाथ आगे कह रहा सब लोग, अपना हाथ, पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स हाथ आगे करो, सब लोग राइट हैंड आगे करो बेटा, माइक आगे नजदीक पढ़ो जोर से फिर से एक बार। हाँ, आज के बाद हम कचरा कूड़ेदान में ही डालेंगे और यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे बच्चों हमने सीखा ना, क्या सीखा, क्या और आपने प्रॉमिस भी किया है राइट, तो भूल से भी कचरा यहाँ वहाँ मत डालेगा, अगर पड़ा है तो उसे कहाँ फेंकना है, कूड़ेदान में, कचरेदान में। ओके नाउ कहना, ये नाटक नहीं महानाटक है। देखी सकते हो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए मम्मी पापा को मजबूर कर दिए हैं। चल अनुज पबजी खेलते, मार मार मार, तेरे पीछे बंदे, मार 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 मार,
चलो बेटा खाना हो गया। अभी नहीं, भूख नहीं है। खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, गरम करके खा लेंगे। ये भगवान देव। तो देखा आप सबने भाई और बहनों, आजकल के बच्चे फोन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खाना और पीना भी छोड़ दिए हैं, अपने मम्मी पापा को परेशान करके रख दिया है। आओ 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 आओ। अरे बेटा क्या हुआ? आग दर्द दे रहा है। चलो डॉक्टर के पास। हाँ चलो। नमस्ते बहन जी, क्या हुआ? नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के आंखों में दर्द हो रहा है। उसको लेके आओ। क्या हुआ है? मोबाइल ज्यादा दिखता है। अरे इसको तो मैं समझा समझा के मंडल चुकी हूँ, पूरा दिन फोन में घुसा रहता है। इसकी आंखों की रोशनी चली गई है, कमजोर हो गई है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं बिल देता हूँ, ये बिल बाहर भर दो और इसको अभी चश्मा लगेगा। तो मैं चश्मा बनवाने कहाँ जाऊँगी? बिल भर दो, चश्मा मेरे यहाँ से ले लेना। थैंक यू। तो देखा भाई और बहनों, मोबाइल के वजह से छोटे छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। कमजोर हो रही है। मोबाइल के वजह से छोटे बच्चों, नंबर एक, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। नंबर दो, उनको इतना मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए हैं कि पढ़ाई और खाना भी छोड़ दिए हैं। नंबर तीन, बच्चे मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने माता पिता से लड़ाई करने लगते हैं। आज हम सब मिलकर एक संकल्प करेंगे, आज से हम 12 वर्ष के पहले मोबाइल नहीं देखेंगे और अपने माता पिता से झगड़ा नहीं करेंगे और पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। थैंक यू। मेहरबान कदरदार, पेश है आपके सामने ये नुक्कड़ नाटक और आप सबका स्वागत है इस नुक्कड़ नाटक में। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। कहाँ है रे सोना, कहाँ है रे मोती, तुम सबने बुझा दी मेरी ज्योति। हरे भरे पेड़ पौधों और इस धरती को बंजर बना दिया। हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर भी उसे अनदेखा करते हैं। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सोचते हुए, फिर भी उस बारे में बात नहीं करना चाहते। चल देख गिराने आए हैं हम, देख गिराने आए हैं सच परे के खेल में, हम सच बताने आए हैं। चल देख गिराने आए हैं हम, देख गिराने आए हैं सच परे के खेल में, हम सच बताने आए हैं। पेड़ कहने को सिर्फ दो अक्षरों का शब्द, पर उससे कई ज्यादा। पेड़ न सिर्फ फल फूल देते हैं बल्कि पशु पक्षी का घर भी होता है। चलिए हम आपके 90 दशक के बचपन के दिन
चलो चलो चप्पल छुपा खेलते हैं। पर यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ खेलेंगे? अरे वो सामने पेड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे हम छुप जाएंगे। हाँ चलो चलो। चल दिव्यश क्रिकेट खेलते हैं। पर यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, खेलेंगे कैसे? वो सामने पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पत्थर से विकेट बना लेंगे। चल खेलते हैं। अरे सावन का महीना, अरे अरे सावन का महीना, अब तो मोर नाचेंगे, अब तो मीठे की खुशबू आएगी। अरे आप सब भूल गए, अभी तो ये पेड़ों पर झूले डलेंगे और हम सब झूला झूलेंगे। तू सोच बदल लेना। क्या कभी किसी ने सोचा था कि जंगल जल जाएंगे, मौसम बदल जाएगा, पशु पक्षी के घर टूट जाएंगे? काट दिए जंगल सभी, काट दिए पेड़, दूषित कर दिए पर्यावरण, हम विकास की ओर, पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण को बचाना है। पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। पेड़ों को लगाओ, धरती को बचाओ। अरे मेरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, निशाना लगा रहा हूँ। अच्छा ये बात है, तो जरा उस पेड़ से आम को तोड़ के दिखाना। हट तक। याद आए अपने बचपन की दिन, जब हम पेड़ पे क्रिकेट, पत्थर से क्रिकेट, पत्थर से विकेट बनाकर खेलते थे, और जेब में पैसे ना होने पर पेड़ से आम तोड़कर खाते थे और झूला भी झूलते थे। हाँ हाँ झूलते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि अब पेड़ ही नहीं रहे ना। हम पेड़ के पीछे छुपन छुपाई खेल सकते और ना हम पेड़ से आम तोड़ के खा सकते। इतना ही नहीं, अब तो हम पेड़ के आम भी नहीं खा सकते। धरती कर रही है उबाल, पेड़ लगाओ बार बार। अरे गर्मी, इस गर्मी ने तो मेरा हाल ही बेहाल कर दिया है। इस गर्मी का, इस समस्या का कोई समाधान है? ये सब तो हमारे ही परिणाम है। धरती माँ का क्रोध और अभिशाप है। अभिशाप है, अभिशाप है। ये सब तो हम सबने ही मिलकर किया है। पेड़ों को लगाना है, ग्लोबल वार्मिंग घटाना है। पेड़ों को लगाना है, गर्मी को घटाना है। मिलकर कसम खाए, धरती को हरा भरा बनाए।
मिलकर प्रण ले ले, आओ मिलकर प्रण ले ले, एक साल में एक पेड़ अवश्य लगाए। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रन। कथा है पुरानी जो सबको पता है, सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी। चलो बच्चों, बूढ़ों, भाई बहन सबको सुनाते हैं, समाज के अंधकारों को एक नाटक दिखाते हैं। नाटक कैसा होता है ये नाटक? अरे नाटक तो बड़ा ही निराला है। दियो को जलाने वाला है, जलाने वाला है, जलाने वाला है। अंतर को मिटाने वाला है, मिटाने वाला है, मिटाने वाला है। रोतों को हंसाने वाला है, हंसाने वाला है, हंसाने वाला है। सबको समझाने वाला है, समझाने वाला। तो आइए शुरू करते हैं इस दिवाली का नाटक। और भाई कैसे? बस ठीक। और दिवाली आने वाली है? हाँ दिवाली आने वाली है। पिछले साल तो मैंने बहुत सारे पटाखे फोड़े थे, इस साल भी मेरे पापा ने 20-30 हजार के पटाखे लाए हैं। 20-30 हजार के पटाखे? चलो पटाखे फोड़ते हैं। अरे मेरा तो हाथ ही जल गया। अब क्या करे, क्या करे? पानी लाओ, पानी। यहाँ पर तो पानी है ही नहीं, बहुत जल रहा है, बहुत गंदा जल रहा है। तो देखा आप सभी ने, पटाखे जलाने के समय पानी की एक बाल्टी रख साथ में रखनी चाहिए और बड़ों के बिना नहीं पटाखे फोड़ने चाहिए। मैं पृथ्वी हूँ, ये शोर, ये धुआं, ये कैसा हो रहा है? इंसान अपने साथ साथ मुझे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसानों के लिए दिवाली का असली मतलब धुआं उड़ाना और पटाखा फोड़ना ही रह गया है। पर दिवाली का असली मतलब होता है दिए जलाना और खुशियां बांटना। हे भगवान, इतना प्रदूषण हो गया है, सांस लेने तक को भी जगह नहीं है। कोई तो इन इंसानों को बोले कि दिवाली के समय प्रदूषण और आवाज ना करे। चलो बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? अरे बहन, आज तो दीपावली है। हाँ दीपावली से तो मुझे भी डर लगता है। दीपावली पे मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। हाँ, और इंसानों को तो इतना समझ में भी नहीं आता कि दिवाली पे पटाखे इतना फोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पिछली बार मेरी दोस्त को पटाखा लग गया, वो मर गई। इन इंसानों को इतना भी नहीं समझ में आता कि पटाखे फोड़ना नहीं चाहिए। धरती पर तो फोड़ते ही है, लेकिन आसमान तक को भी नहीं छोड़ा। वैसे पता नहीं ये दीपावली कैसे मनाते हैं। हाँ मैं ऐसा है कि इंसानों के पास दिमाग होता है, पर इंसानों को इतना भी नहीं पता कि मिठाइयाँ खाओ, दिया जलाओ, नाचो गाओ, पर किसी को नुकसान ना पहुँचाओ। देखो हम सब ने कैसे हानिकारक प्रदूषण से अपने धरती को परेशान करके रख दिया है, तो आओ हम सब मिलकर एक दीप जलाए जो हमारे जीवन को रोशन कर दे। आई दीपावली, दीप जलाए, दूर करो अंधकार, दूर दूर तक करेंगे इस बात का प्रचार। और एक महत्वपूर्ण बात, तो आओ हम सब मिलकर एक प्रण ले, घरों को दियो और रंगों से सजाए,
अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताए, वृक्षारोपण करके हरियाली बढ़ाए, प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।